दो चार जो बूढ़े थे जो बड़े बहुत बड़े आदमी भी थे और बड़े गुस्सैल भी थे, उन्होंने कटवाते वहां लोगों से कहते कि बहुत अच्छा था। जब वो कटवा तो किसी कोने से ध्यान है देखो और चल आज में बार उन्हें तो दौड़ो, फिर वो चाहे किसी का ऑफिस को मार भी पड़े कुछ भी पड़े तो कहते क्या कर मुझे लंगा दिया दौड़ने के लिए, और दौड़ते दौड़ते उससे आगे निकल जाता। जब आगे निकल जाता था तो फिर हाथता हुआ आता था, फिर वो बाल बना बाकी तब तक बैठा। फिर ये तो दौड़ के आगे जाता है, तुम दौड़ोगे देश में तो दौड़ के जाओगे। वो कौन था हमारे यहां मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह दौड़ा एक बार हम प्लेन से आ रहे थे तो बैठा था। अब उसको तो परिस्थितियों ने धावक बना दिया, मौत के भय से भागा बचपन में तो उस भाग ने उसको धावक बना दिया। तो ये तो दौड़ना है, परंतु ये ऐसी ही चीज है महाराज, ये जो आत्मदेव हैं, ये जो ब्रह्मदेव हैं, ये जो सत्यदेव हैं, ये कैसे हैं कि ये न दौड़ते हुए भी अन्य सभी दौड़ने वालों से आगे। जैसे आपने सुना होगा देवताओं में देश भी के जो पूरी पृथ्वी के साथ परिक्रमा लगा लेगा और पहले आ जाएगा उसकी प्रथम पूजा हो, तो गणेश जी ने क्या किया, माता पिता की परिक्रमा कर दी। अब माता पिता की परिक्रमा करके और उनका तो चूहे का मामला था, इसलिए अपना करके माता पिता ही करने तो करके और आगे रोक। तो अब यहां पर कहीं कोई स्थूल पृथ्वी है और एक माता पिता जिसमें तत्व दृष्टि से पृथ्वी भी है और आकाश भी है, आकाश रूप पिता है और पृथ्वी रूप माता है, दोनों की परिक्रमा कर लिए तो पहले से आते हैं। आपने सुना होगा संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेके आ रहे थे, और आज की तरह नहीं है, आज तो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं और गंगोत्री में स्नान करते हैं, अभी हेलीकॉप्टर से उड़ के जाकर के वो रामेश्वरम में जल करा रहे थे, कोई मतलब नहीं है वो जल। पहले गंगोत्री जाना और फिर वहां से कांवर में जल लेकर, आजकल कांवड़िए भी बहुत चल रहे हैं, वो कांवड़ में जिस समय वो चले तो समझ लो कि कहीं भी झगड़ा कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। आजकल भक्ति बड़ी मॉडर्न हो गई है ना, इसीलिए बहुत मॉडर्न भक्ति हो गई। ये सब तमाशा है। तो कांवड़ में जल लेकर के और फिर पैदल जाते थे वहां रामेश्वरम, और वहां जाकर के वो जल शिव जी में चढ़ाए। अब बोलो सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? तो वो जा रहे थे तो रास्ते में, जब राजस्थान को रास्ते में पड़ेगा वहां से निकल रहे थे तो वो एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा, तो एक नाथ जी गए उधर देखा कि तो गधा मर रहा है, और उन्हें तुरंत वो जो जल लाए थे गंगोत्री का, तो ले रही तो जल के लिए इसका जीवन जल है, जल के अभाव में इसके प्राण चले जाए, और उन्होंने वो जल गधे को पिला दिया, और जल गधे को पिला दिया। सारे लोग अरे बड़ा बेवकूफ है, इतनी मेहनत से जल लाए शंकर जी के लिए और गधे, अरे कोई नेता होता कोई अभिनेता होता तो बात भी ठीक थी, गधे को पिला दिया। एकनाथ ने कहा यही मेरा शिव है, यहां उन्होंने गधे को पिला दिया और वहां लोगों ने देखा कि एकनाथ का जल चढ़ रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये शिव तत्व केवल वहीं थोड़ा ही है, वो तो भरपूर है। अब जिसने वहां ही शिव तत्व देखा और
किसी प्राणी में कहीं नहीं देखा, उसने शिव तत्व का दर्शन नहीं किया। इसलिए ये सबसे एक ही बात निकलती है कि वो भरपूर है, सर्वात्मक है, सर्वाधिष्ठान है। तस्मिन नमो मातर ईश्वर धाति के उसमें ही, उसी के अधिष्ठानत्व में, उसके ही अंदर, अंदर क्या, उसमें ही है, वही है, वही परिपूर्ण, उसी परिपूर्ण में अंतरिक्ष गामी जो प्राण शक्ति है। अब देखो जरा विज्ञान यहां कितना गहरा है। विज्ञान क्या कहता है कि सब कुछ एनर्जी से होता है, ये कहता है ना। मातरी माने अंतरिक्ष। अब शक्ति का क्रम कैसे शुरू हुआ होगा, तो भाई अंतरिक्ष ही, ये अंतरिक्ष तो यही है ना, भरपूर आकाश। इस अंतरिक्ष में, अब अंतरिक्ष तो भी वैज्ञानिक भी मानते हैं असीम है, इस अंतरिक्ष में सबसे पहले प्राणिक ऊर्जा का संचार ही तो हुआ होगा। और यहां सूत्र भी यही कह रहा है कि उसी में अंतरिक्ष गामी प्राण शक्ति ने या वायु शक्ति ने, देखो वायु और प्राण दोनों समानार्थक जैसे, तुम्हारे अंदर जो ये ऑक्सीजन जाती है यही प्राण शक्ति है, अलग यही ऑक्सीजन खून में जाती है तो खून में एनर्जी आती है, उसी खून से रजनी वीर का निर्माण होता है, उसमें भी प्राण शक्ति होती है। तो सबसे पहले अब प्राण क्या है, ध्यान देना, प्राण का मतलब होता है जिंदा ऊर्जा, चेतन ऊर्जा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें ऊर्जा है कि नहीं है, एनर्जी है, लेकिन ये चेतन नहीं है, जड़ है। हमारे अंदर जो एनर्जी है ये कैसी है, ये चेतन। जब ध्यान बड़ा सरल होता है, प्राण माने चेतन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी कह दो, लाइव एनर्जी कह दो, है ना, जिंदा ताकत, इसको प्राण कहते हैं। तो ये सबसे पहले यही, अभी कोई ध्यान ही मिल रहा है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, छाती पीट रहा है, एनर्जी 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 एनर्जी। अरे बाबा, एनर्जी तेरे बाद में पैदा की है क्या, ये सूत्र कह रहा है। तस्मिन नपा मातर श्वादी, अब माने जिसमें जो सक्रियता देनी है, जैसे वायु में गमन की, जल में आप्यायनी शक्ति दे दी, अग्नि में दाहकता दे दी, समझ गए कि सबसे पहले अंतरिक्ष में यह प्राण शक्ति का उद्भव हुआ, इसी में और फिर उसने सबको उसके हिसाब से उसकी सक्रियता दी, सब उस सारी चीज को उसने उस वही धारण कर दी। माने ये अधिष्ठान है और उसी में प्राण शक्ति का उदय हुआ और उसी प्राण शक्ति से सब प्रकार की अनेक ऊर्जाएं उत्पन्न हुई और उन ऊर्जाओं ने अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सक्रियता शुरू कर दी। उस सब को धारण करने वाला कौन, यही आत्मदेव, यही आत्मचेतन, यही ब्रह्म तत्व। स्पष्ट हुई बात, और विज्ञान से मेल खाने वाली बात है कि नहीं। अरे बाबा क्या बताऊं मैं, यही कह रहे थे, ये आशीष कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो हमारे यहां है वो यहां होगी, पर वही वही होगी। लेकिन हिंदू ना, हिंदू तो मैं क्या कहूं, इतना गरीब बेचारा है।
इतना पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, गामा विश्व क्या भूतानी धारयाम्याम ओडिशा, पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर मैं अपनी ऊर्जा से सबको धारण करता हूं। अब बोलो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसका तू चाहती थी तो गुरुत्वाकर्षण किसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की? न्यूटन। न्यूटन, अरे ये न्यूटन का पाप भी पैदा नहीं हुआ होगा जब भगवान ने कहा कि गामा विश्व भूतानि धारयाम्याहम ओडिशा, इसको माई का लाल कोई कैसे गलत कर सकता है? गलत बात है क्या? वो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर मैं अपनी ऊर्जा से सबको धारण करता हूं, ये 100% गुरुत्वाकर्षण शक्ति की व्याख्या है या नहीं? लेकिन हम में ये तेज नहीं है कि हम इसको विश्व में प्रतिष्ठा दिला सकें। हम टांग तो खींच सकते हैं, किसी की टांग खींच सकते हैं, कोई ये बात करे तो उसके सुनने में जाएंगे मजा नहीं आया, जाने क्या बोलते हैं। स्वार्थी स्वार्थी स्वकेंद्रित पौना, ये लोग देखो कैसे कैसे काम करते हैं। ऐसी भाभी हमारे हमारे किसी बच्चे में होती है, लगे नहीं करने यहां तो पैसा कमाओ, भोगो अभिमत है बस, अगो मोटो खाओ सो अगो मत, मरने के अलावा कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है किसी का। हद हो गई, जिसके पास अमृत विद्या है वो केवल मर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कमाए कमाए मर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, मैं फिर बाद में आराम कर रहा, तो कहा आराम करेगा बाद? बाद में मैं आराम करूंगा यानी बाद में फिर काम मेहनत नहीं करूंगा, यानी अभी भी मेहनत को खुशी में नहीं कर रहा, छाती पीट पीट के कर रहा। जिसके पास उपनिषद हो, जिसके पास गीता हो, वो जीवन जीने की कला से इतना ये हमारे दीक्षित जी की दुकान में पांच पिते रहे, पंचमार्ग। अरे बाबा आप देखो, एक सज्जन बोले अरे ये